Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, Land Forms of the Earth. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with block mountains. बेटा यहाँ तक सब पार्ट वन में हम पढ़ चुके हैं. पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक माउंटेन्स से. तो बेटा ब्लॉक माउंटेन्स बनते कैसे हैं? देखो होता क्या है कि जो हमारा लैंडफॉर्म है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? टेक्टोनिक प्लेट से मिलके बना है. ये हमने पार्ट वन में भी डिस्कस किया था, ठीक है. ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं बेटा, ये एक प्लेट नहीं है, ये टूटी हुई बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है. कुछ प्लेट्स बहुत बड़ी हैं, कुछ प्लेट्स बहुत छोटी हैं. तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसमें फॉल्ट आने लग जाते हैं, ठीक है. अगर ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी तो यहाँ पर भी क्रैक आने लग जाएगा. अब जब ये क्रैक आ जाएगा तो धीरे 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 ये क्रैक इतना बढ़ जाएगा कि एक पार्ट जो होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और दो पार्ट्स अपनी जगह पर बने रहेंगे, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है. बात ये वाला पार्ट जहाँ पर क्रैक आए है ना, ये कहाँ आ गया, इस तरीके से स्लाइड करके नीचे चला गया और ये पार्ट अपनी जगह पर रहे. इसे हिंदी में भ्रंश पर्वत कहते हैं, ठीक है. मतलब देखो ये वाला पार्ट जब नीचे की तरफ आ गया तो ये उठे हुए पार्ट दिखने लगे, तो इसे क्या कहा हमने बेटा, ब्लॉक माउंटेन्स. फिर से ध्यान से सुनना, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब दो टेक्टोनिक प्लेट मूव करेंगे एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, एक प्लेट का डायरेक्शन इस साइड होगा तो दूसरी प्लेट का डायरेक्शन इस साइड होगा, ठीक है. इस वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है. इस फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो स्लैब्स होते हैं लैंड के वो ब्रेक करने लगते हैं, ठीक है, टूटने लग जाते हैं अर्थ के जो स्लैब्स होते हैं. अच्छा बेटा, इसके तीन केसेस बनते हैं. कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर फॉल्ट आएगा तो ये वाला पार्ट अंदर चला गया तो इस तरीके से बन जाएगा. कई बार ऐसे होता है कि फॉल्ट की वजह से ये दो पार्ट अंदर चले जाते हैं और बीच का पार्ट अपनी जगह पर ही रहता है, तो इस तरीके से बन जाता है. देखो ऐसे, ठीक है, ये पार्ट अपनी जगह रहे, ये दो पार्ट नीचे की तरफ खिसक गए, ठीक है, नीचे की तरफ स्लाइड कर गए. और एक जो तीसरा केस है बेटा, उसमें क्या होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा लग रही है, कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से. तो ब्लॉक माउंटेन्स तीन तरीक़ों से बन सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया. जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो कुछ इस टाइप से ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे या इस टाइप से बन जाएंगे, ठीक है. पर कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो कंप्रेशन की वजह से ये जो बीच वाला पार्ट जो होता है जो ऊपर की तरफ उठ जाता है और ये और पास आने लग जाती हैं, तो इसे भी ब्लॉक माउंटेन ही कहते हैं. समझ में आ गई बात बेटा? कई बार बेटा टेंशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं और फॉल्ट आ जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में. ये जैसे सपोज करो अर्थ का क्रस्ट है, दोनों साइड से टेंशन जब लग रही होती है तो इसमें ये ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं. अगर ये फॉल्ट पैरेलल होंगे तो क्या होता है बेटा, जो लैंड होगी इन बिटवीन दीज टू पैरेलल फॉल्ट वो सबसाइड कर जाएगी. सबसाइड करने का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ खिसक जाना, नीचे चली जाएगी और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा. यहाँ पर बन जाएगी रिफ्ट वैली और ये बन जाएंगे हॉस्ट माउंटेन्स, ठीक है, क्लियर है बात. चले आगे. इफ अ ब्लॉक राइजेज इट फॉर्म्स हॉस्ट और ब्लॉक माउंटेन, क्लियर है. चलो आगे. जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं उनके फ्लैटन सम्मिट होते हैं, वो ब्लॉक माउंटेन्स जिनके फ्लैटन सम्मिट्स होंगे उन्हें हम हॉस्ट माउंटेन कहेंगे. देखो यहाँ पर आपको कोई पीक दिख रहा है क्या, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं, ये फ्लैट सम्मिट है. फ्लैट सम्मिट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, हॉस्ट माउंटेन्स. दोज विच हैव टिल्टेड सम्मिट, कई बार टिल्टेड सम्मिट हमें देखने को मिलेगी, झुकी हुई सम्मिट देखने को मिलेगी. एक साइड तो क्या होगा, स्टीप स्लोप होगा इस तरीके से, और दूसरे साइड क्या होगा, जेंटल स्लोप होगा. ये वाला स्लोप जेंटल है, ये स्टीप स्लोप है. और बेटा दो ब्लॉक माउंटेन को सेपरेट करता है ग्रेबन. देखो एक ब्लॉक माउंटेन ये रहा, दूसरा ये ग्रेबन एरिया रहा, तीसरा, सॉरी
ये जैसे एक ब्लॉक माउंटेन है, उसके बाद हम बोलते हैं ये ग्रैबन एरिया हो गया, और ये रहा हमारा दूसरा ब्लॉक माउंटेन, तो दो ब्लॉक माउंटेन के बीच में क्या मिलेगा आपको? ग्रैबन एरिया। आई बात समझ में? ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑफन सेपरेटेड बाई इंटरवीनिंग बेसिन कॉल्ड ग्रैबन। आई बात समझ में? दो ब्लॉक माउंटेन्स है, इनके बीच में क्या मिलेगा आपको? ग्रैबन। फिर से ध्यान से सुनो, दो पैरेलल फॉल्ट अगर रहेंगे तो जो वैली होगी वो बन जाएगी, क्योंकि वहाँ वाला जो एरिया होता है वो श्रिंक करके नीचे चला गया होता है। इफ़ देयर आर टू पैरेलल फॉल्ट्स द वैली फ्लोर में श्रिंक एंड रिफ्ट वैली में बी फॉर्म। वहाँ पर क्या बन जाएगी? रिफ्ट वैली, जो मोस्ट एक्सटेंसिव सिस्टम है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल दो, मोस्ट एक्सटेंसिव रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल दो, तो क्या बोलोगे आप? अफ्रीकन। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि भाई ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रांस का वॉस्गस, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो यूरोप में है, पाकिस्तान में है सॉल्ट रेंज, सेरा नेवेडा और कैलिफोर्निया माउंटेन कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए में दो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, सेरा नेवेडा और कैलिफोर्निया। पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट है यूरोप में और वॉस्गस है फ्रांस। अब बेटा यहाँ डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया, आप एक बार देखो, ये रहा था हमारा अर्थ का क्रस्ट, यहाँ पर है क्रैक्स फॉल्ट और दोनों साइड से अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो ये वाला पार्ट सबसाइड करके नीचे आ जाएगा और ये पार्ट अपनी ही जगह पे रहेंगे, पर क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये आपको अपलिफ्टेड दिखेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? हॉस्ट माउंटेन। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अंदर चला गया है, सबसाइड कर गया है, ये जो उठे हुए पार्ट हैं इन्हें हम कहते हैं हॉस्ट ब्लॉक माउंटेन, और जो रिफ्ट वैली है ये क्या है? ग्रैबन। ये किसका एग्जांपल पढ़ा बेटा हमने? फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन बाय टेंशन आफ्टर फॉल्ट डेवलप। फॉल्ट डेवलप करने के बाद भी टेंशन लगती रही, एक जो एरिया था, एक जो स्लैब था वो स्लाइड करके नीचे चला गया, दो स्लैब अपनी जगह पर ही थे या थोड़ा सा ऊपर उठ गए, तो बन गए ब्लॉक माउंटेन्स। अब हम करेंगे प्लैट्यूज को डिस्कस। ठीक है, तो बेटा जो प्लैट्यूज होते हैं इन्हें हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, प्लैट्यूज इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ हाई ग्राउंड। हाई ग्राउंड के एरिया को हम प्लैट्यू बोलते हैं, ये ग्राउंड लेवल से 500 फीट ऊपर होता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि प्लैट्यू वो एरिया होगा जो हाई ग्राउंड है, 500 फीट ऊपर होगा किससे? ग्राउंड लेवल से। ये ग्राउंड लेवल है, इससे कितना फीट ऊपर होना चाहिए? 500 फीट ऊपर होना चाहिए। ये जो अपलैंड होते हैं इनका स्टीप स्लोप होता है, स्टीप देखो ये होता है जेंटल स्लोप और बेटा ये होता है स्टीप स्लोप। ठीक है, ये स्टीप स्लोप है और ये कैसा? जेंटल स्लोप, इजीली आप चढ़ सकते हैं, इजीली उतर सकते हैं, ये है स्टीप स्लोप। बेटा देखो इनका ये जो अपलैंड्स है इनकी एक साइड में स्टीप स्लोप होता है इस तरीके का और एक साइड में जेंटल स्लोप होता है। जो अपर पार्ट होता है उस वो जनरली फ्लैट होता है, उसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं क्योंकि टेबल की तरह दिखाई पड़ता है। प्लैट्यूज आर ऑल्सो क्लासीफाइड इन सेवरल वेज, प्लैट्यू को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। इन द केस ऑफ माउंटेन्स वी हैव यूज द क्राइटेरिया ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। माउंटेन्स के केस में हम किस क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं बेटा कि किस तरीके से वो फॉर्म हुए हैं? सेम क्राइटेरिया हम प्लैट्यूज के लिए भी यूज़ करते हैं कि किस तरीके से प्लैट्यू बने हैं। ठीक है, माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे जो प्लैट्यूज हैं उनके बनने का भी तरीका अलग अलग है। अब हम पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरमाउंटेन प्लैट्यू। इंटरमाउंटेन मतलब दो माउंटेन के बीच में जो प्लैट्यू मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमाउंटेन प्लैट्यू। ये किसका एग्जांपल है? इंटरमाउंटेन प्लैट्यू। बेटा सबसे ज़्यादा मिलने वाले जो प्लैट्यू हैं वो इंटरमाउंटेन प्लैट्यू ही हैं। दीज आर द हाइएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑन द ग्लोब। द प्लैट्यूज सराउंडेड बाई हील्स, ये प्लैट्यूज के आसपास हील्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं हर साइड में। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, ये हाइएस्ट सबसे हाइट वाले प्लैट्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, पूरे ग्लोब में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो प्लैट्यूज हैं इनके आसपास हील्स होंगी, माउंटेन्स होंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इंटरमाउंटेन प्लैट्यू।
ये फॉर्म होते हैं फोल्ड माउंटेंस के फॉर्मेशन के साथ ही, दे आर फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द फोल्ड माउंटेंस। जो तिब्बतन प्लेट्यू है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस प्लेट्यू को कहते हैं? तिब्बतन प्लेट्यू को। तो जो तिब्बतन प्लेट्यू है वर्ल्ड के हाईएस्ट है, इवन बहुत एक्सटेंसिव भी है, ठीक है। वर्ल्ड के हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट वाला जो प्लेट्यू है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। जो अदर एग्जाम्पल हैं वो है कोलंबियन प्लेट्यू, नॉर्थ अमेरिकन कोड्रेला, बोलीवियन, पेरोवियन और मैक्सिकन प्लेट्यूज, ठीक है। तो माउंटेन के साथ ही राइज होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इन प्लेट्यूज के आसपास में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। सबसे हाइटेड प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक प्लेट्यूज। वॉल्केनिक प्लेट्यूज कैसे बनते हैं? वॉल्केनिक प्लेट्यूज, जब वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, जब मैग्मा बाहर आता है तो हम उसे लावा कहते हैं, है ना। और इस लावा के जमा होने से जो माउंटेन बनते हैं उन्हें हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। कई बार ये लावा जमने के बाद क्या भी बन जाते हैं बेटा? वॉल्केनिक प्लेट्यू, ठीक हुई बात। तो जो वॉल्केनिक प्लेट्यू हैं वो न्यूमरस वॉल्केनिक एरप्शन से बनते हैं। बहुत स्लो इनका प्रोसेस होता है, ठीक है। वॉल्केनिक प्लेट्यू बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हमारे इंडिया का ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये वॉल्केनिक प्लेट्यू का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, वॉल्केनिक प्लेट्यूज फॉर्म्ड होते हैं जब न्यूमरस वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, द स्लोली बिल्ड अप ओवर टाइम, और फिर वो क्या बनाते हैं? प्लेट्यूज। जो हमारे इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो वॉल्केनिक प्लेट्यू का एग्जाम्पल है, स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन, ये लावा प्लेट्यू ही है। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो हम उसे लावा कहते हैं। लावा से बनने वाले प्लेट्यू को हम वॉल्केनिक प्लेट्यू कहते हैं। दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू, यूथोपियन प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, उसमें नर्मस एक्यूमुलेशन है बेसाल्टिक रॉक का। हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में किसका एक्यूमुलेशन है बेटा? बेसाल्टिक रॉक का, थोड़ा मोड़ा नहीं, नर्मस बहुत ज़्यादा। जो कोलंबियन प्लेट्यू है has about 20 layer of lava suggesting 20 different volcanic eruption। अगर हम कोलंबियन प्लेट्यू को देखें तो वहाँ पर 20 layers में आपको अलग 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 तरीके के कंपोजिशन मिलेंगे, जिससे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर 20 बार volcanic eruption हुए होंगे, तब जाके ये प्लेट्यू बना होगा। बेटा अब हम प्लेन्स को पढ़ेंगे। तो प्लेन्स क्या हैं? प्लेन्स एक्सटेंसिव लेवल लैंड होती हैं, ठीक है, जहाँ पर अंडुलेटिंग सर्फेसेस भी हमें दिखाई पड़ते हैं। अ प्लेन इज डिफाइंड, प्लेन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि भैया ये बहुत एक्सटेंसिव एरिया है? किसका? लो लैंड का, ठीक है। मोस्टली लेवल लैंड देखने को मिलती है, पर कहीं कहीं जेंटली अंडुलेटिंग सर्फेसेस भी देखने को मिलते हैं, लहरदार, ये लहरों की तरह दिख रहे हैं, लहरदार सर्फेसेस भी देखने को मिलते हैं। प्लेन्स को हिंदी में समतल कहते हैं। समतल का मतलब भी आप समझ गए होंगे, जिसका तल सम हो, सेम हो, ठीक है। अगर हम लैंडफॉर्म फॉर्मेशन की बात करें या लैंडफॉर्म डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें, तो इनमें डेवलपमेंट ऑफ प्लेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैदानों का निर्माण, मतलब प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है लैंड के ऊपर, वो बहुत ही फैसिनेटिंग इंटरग्रोइंग है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरग्रोइंग, इंटरग्रोइंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग, दिलचस्प लैंडफॉर्म डेवलपमेंट प्रोसेस है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और हमें प्लेन्स के ऊपर बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। देयर आर सीमिंगली एंडलेस वेरिएशंस इन प्लेन्स। मैदानी इलाकों में हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बेटा जितने भी प्लेन्स हैं वो इम्प्रिंट हैं किसका? प्रेजेंट और पास्ट प्रोसेसेस का। पास्ट में जो प्रोसेसेस हुई, प्रेजेंट में जो प्रोसेसेस हो रही हैं, उनका इम्प्रिंट है प्लेन्स। अब बेटा कई बार ऐसे होता है कि बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से
लैंड फॉर्म वॉश अवे हो जाता है, ज़मीन सपोज करो यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन थी जिसको हम प्लेन कह रहे थे, बहुत हैवी रेनफॉल हुई तो ये बहकर कहीं चला गया, तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। दूसरी बार कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई डिप्रेशन था उससे फिल कर दिया गया तो वहाँ पर भी क्या बन गया, प्लेन। सपोज करो यहाँ पर प्लेन थे पर यहाँ की सॉइल वॉश अवे हो गई तो ये इस तरीके का बन गया, तो यहाँ पर डिप्रेशन बन गए। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की मिट्टी अगर यहाँ आके जमा हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, प्लेन। तो प्लेन बनते भी हैं और प्लेन बिगड़ते भी हैं। तभी हमने कहा है कि पास्ट और प्रेजेंट प्रोसेसेस का इम्प्रिंट होते हैं प्लेन्स। फिर से ध्यान से सुनो, सडन हैवी डाउनपोर, बहुत हैवी अगर रेनफॉल हो गई तो जो स्टैंडिंग लैंडफॉर्म होगा वो वॉश अवे हो जाएगा और फिल अप अ डिप्रेशन टू फॉर्म अ प्लेन, और कई बार डिप्रेशन को फिल कर देगा जहाँ पर नए प्लेन बन जाएंगे। अ प्लेन इज सेल्डम फॉर्म बाय अ सिंगल प्रोसेस, कभी भी प्लेन एक सिंगल प्रोसेस से नहीं बनते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, कभी भी हमारे जो प्लेन्स है वो सिंगल प्रोसेस से नहीं बनते, कहीं ना कहीं से इरोजन हुआ होगा, कहीं ना कहीं डिपोजिशन हुआ होगा, तब जाके प्लेन बनेंगे। However, three types of planes can be distinguished. तीन टाइप के प्लेन हमें देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोशनल प्लेन्स और डिपोजिशनल प्लेन। कितने टाइप के? तीन, स्ट्रक्चरल, इरोशनल और डिपोजिशनल। लैंड फॉर्म्स, फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और न्यू फोल्ड माउंटेन्स, रेसिडियल माउंटेन्स जो टूट फूट गए हैं, ब्लॉक माउंटेन्स जो इस तरीके से बनते हैं। फिर प्लेट्यू की बात करें तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू, दो माउंटेन के बीच के प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू जिनका बनना किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शंस हुए हैं। प्लेन्स स्ट्रक्चरल होते हैं, इरोशनल होते हैं और डिपोजिशनल होते हैं। डिपोजिशन का काम करती हैं रिवर, विंड और मराइन। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चरल प्लेन्स को, तो ये प्लेन्स बनते हैं क्योंकि लैंड का या तो अपलिफ्टमेंट होता है या सबसिस्टेंस होता है। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जुड़ना और सबसिस्टेंस का मतलब होता है नीचे की तरफ धस जाना, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स। बेटा डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से, अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को हम क्या भी कह सकते हैं, टेक्टोनिज्म, ओरोजेनी, एपेरियोजेनी, ठीक है। तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से अर्थ के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आती है, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से कई बार अपलिफ्ट हो जाता है वो पोर्शन जो ओशन वाटर के नीचे होता है, ठीक है, और मे कॉज सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल लैंड। तो देखो कई बार तो ऐसा होगा कि सपोज करो ये लैंड एरिया, यहाँ पर पानी है ना, ये ओशन है, तो ये एरिया अपलिफ्ट कर जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा बेटा कोस्टल प्लेन होगा, ठीक है, और ये कोस्टल प्लेन टाइमिंग पानी के अंदर सबमर्ज कर जाएगा। तो दोनों बातें ध्यान से सुनना, कई बार डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंट बन जाते हैं और कई बार कोस्टल प्लेन सबमर्ज कर जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। अगर हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए की बात करें तो वो अपलिफ्टमेंट की वजह से ही बने हैं, वो ज़मीन जो कहीं सबमर्ज थी पानी के अंदर वो अपलिफ्ट हुई और यूएसए के ग्रेट प्लेन्स बन गए। अब बेटा जो ग्रेट प्लेन्स हैं यूएसए के, उनके वेस्ट में मिलेगा हमें रॉकीज और ईस्ट में मिलेंगे मिसिसिपी और मिसौरी प्लेन्स। मिसिसिपी रिवर भी है ना, तो ये जो रिवर हैं उनके द्वारा जो बनाए गए प्लेन्स हैं वो मिलेंगे ग्रेट प्लेन के ईस्ट में और रॉकीज मिलेगा वेस्ट में। द फैक्ट दे वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी लेक्स, और ये फैक्ट कि भैया ये पानी के अंदर ही थी ये ज़मीन जिससे बाद में ग्रेट प्लेन बना है, ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लो लैंड हैं, ठीक है, और उन लो लैंड के आसपास क्या हैं, लेक्स, झीलें हैं। वास्ट लो लैंड एरिया है और उस लो लैंड एरिया में मिलेंगी हमें बहुत सारी क्या, झील। तो इस वजह से पता चलता है कि भाई ये कहीं ना कहीं पानी के अंदर था। बेटा अगर हम गल्फ कोस्ट की बात करें तो गल्फ कोस्ट फिर एक और एग्जांपल है एमरजेंस का, किसका, कोस्टल प्लेन के एमरजेंस का। क्लियर है बात, गल्फ कोस्ट एक और एग्जांपल है एमरजेंस ऑफ कोस्टल प्लेन। सब समुद्र के अंदर का एरिया किसी वजह से जो लैंड एरिया है वो अपलिफ्ट करके ऊपर की तरफ आ जाए तो उससे बनते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स। अब हम डिपोजिशनल प्लेन्स की बात करेंगे बेटा,
वो प्लेन्स जिनके फॉर्मेशन के पीछे डिपॉजिशन रिस्पॉन्सिबल हो कि बहुत सारे मटेरियल आए वहाँ के डिपॉजिट हो गए और उन्हें लाने वाले एजेंट अलग अलग थे, ठीक है, विंड था, वाटर था, ठीक है। तो प्लेन्स जो फॉर्म हुए डिपॉजिशन मटेरियल से उन्हें हम डिपॉजिशनल प्लेन्स कहेंगे, और उन्हें लाने वाले कौन थे, वेरियस एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रिवर डिपॉजिशन की बात करेंगे हम पहले, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड होते हैं, एलुवियल प्लेन होते हैं ये, यहाँ की जो मिट्टी होती है जिसका नाम है एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेंगे। द फ्लड प्लेन्स लाइक मिसिसिपी प्लेन्स इन यूएसए, यूएसए के मिसिसिपी प्लेन, डेल्टाइक प्लेन जो इजिप्ट में है, इंडिया में है, डेल्टाइक प्लेन जो इजिप्ट और इंडिया में है, मिसिसिपी प्लेन जो यूएसए में है, नदन प्लेन्स जो इंडिया में है, वो सब रिवर द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल होती है। एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड पेडमेंट एंड एलुवियल सॉइल, और माउंटेन्स के जो फुट हिल होते हैं बेटा उनमें हमें मिलती है पेडमोंट एलुवियल सॉइल। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, द फ्लड प्लेन्स डिस्क्राइब्ड अबव आर एलुवियल प्लेन्स, जितने भी फ्लड प्लेन्स बनेंगे वो एलुवियल प्लेन बनेंगे, हर साल नई नई मिट्टी आएगी जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। दे आर फाउंड अलॉन्ग द रिवर गंगा, यंग्स, मेकोंग, साल्विन एक्सेट्रा, इन्हें ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो रिवर है, ये जो फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, ये बहुत ही फर्टाइल एलुवियल सॉइल से भरे होते हैं, जहाँ पर आप जो भी कुछ ग्रो करोगे बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इंडिया में जो फ्लड प्लेन्स हैं वो खादर प्लेन्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनके ये न्यू डिपॉजिट होता है हर साल, हर साल नई नई मिट्टी आती है जो बहुत फर्टाइल होती है। दूसरे भांगर होते हैं जिन्हें ओल्ड डिपॉजिट कहते हैं, जो हर साल रिन्यू नहीं होते हैं। खादर वाली जो ज़मीन होती है वो रिवर के बहुत पास मिलती है, भांगर रिवर से थोड़ा सा दूर मिलती है, पर दोनों ही फर्टाइल हैं, पर इन सब में सबसे ज़्यादा फर्टाइल है खादर। अब हम विंड डिपॉजिशन की बात करेंगे, तो बेटा बहुत सारे जो सैंडी डेजर्ट हैं वो विंड डिपॉजिशन की वजह से ही चल पा रहे हैं, जैसे कहीं पर वहाँ पर ड्यून्स देखने को मिलते हैं, फिर डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, फिर बर्चन्स देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट सच प्लेन्स आर सैंडी डेजर्ट। अगर विंड डिपॉजिशन की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, सैंडी डेजर्ट, सहारा जो अफ्रीका में है, थार डेजर्ट जो इंडिया में है, यहाँ पर इरेगुलर और अंड्यूलेटिंग सर्फेसेज होते हैं, सैंड्यून्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर हेलोलैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। लॉयसिस प्लेन जो चाइना में है वो भी डेजर्ट ही है। फिर से ध्यान से सुनना, लोएस्ट प्लेन जो चाइना में है वो भी फॉर्म किसकी वजह से हुए हैं, डेजर्ट से। अब हम मराइन डिपोजिशन की बात करेंगे बेटा, ये जो प्लेन्स होते हैं ये कोस्टल रीजन में देखने को मिलते हैं, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है। द एस्टरीन बैंक ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड के एस्टरीन बैंक, जर्मनी के कोस्ट को देख लें हम, डेनमार्क के कोस्ट को देख लें, जर्मनी का कोस्ट, डेनमार्क का कोस्ट, नीदरलैंड के एस्ट्रीन बैंक, हमारा ईस्ट कोस्ट, ये सब मराइन डिपॉजिशन के कारण ही बने हैं। इन डेनमार्क वी फाइंड पोर्डोस डिक्स। अब फिर से ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर दो बिल्कुल नए वर्ड आए हैं, पोल्डर्स एंड डिक। तो बेटा जो पोल्डर्स होते हैं वो लो लैंड होते हैं जो पहले कभी ओशन के अंदर हुआ करते थे, पर अब ओशन से अपलिफ्ट होके बाहर की तरफ आ गए, फिर हमने डिक से इसको सेपरेट कर दिया भैया कि ये जो पानी बाहर है ये अंदर की तरफ ना आ पाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, अ पोल्डर इज अ पीस ऑफ लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी। पोल्डर वो ज़मीन का टुकड़ा है जो सी से बाहर की तरफ आया है या लेक से बाहर की तरफ आया है। द समर्ज लैंड इज सराउंडेड बाय एन एम्बार्कमेंट, और जो समर्ज लैंड होती है उसको हमें, जैसे ये ज़मीन का टुकड़ा ये सी या लेक के अंदर था अभी बाहर है, इसके आसपास हम क्या बना देते हैं, एम्बार्कमेंट, जिसे कोई क्या कहते हैं, डाइक, एंड ड्रेन्ड बाय पंपिंग वाटर इंटू कैनाल्स। पानी कहाँ पर डाल दिया जाता है, कैनाल्स में डाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है लैंड फॉर्म्स की, तो बेटा लैंड फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो ये सोर्स होते हैं पेरिनियल रिवर का, अगर हम प्लेट्यूज की बात करें तो ये स्टोर हाउस होते हैं किसका, मिनरल्स का। प्लेन्स पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है, तो लैंड फॉर्म्स सारे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी लैंड फॉर्म्स सरफेस पर मिलते हैं अर्थ के, वो सिंबल है एनर्जी का ऑन द ऑफ द अर्थ।
दे आर बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम एनोरमस हीट जनरेटेड इनसाइड द अर्थ. जितने भी लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, भले माउंटेन दिखे, प्लेट्यू दिखे, प्लेन्स दिखे, ये किसका सिंबल है कि भाई अर्थ के अंदर बहुत सारी एनर्जी है. कई बार क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करते हैं. अर्थ रिलीज करती है अपनी एनर्जी थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी, अर्थ को एक वोल्केनो. जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं इन एडिशन टू द सरफेस वेदरिंग, देखो इंटरनल फोर्सेज से मतलब जैसे अर्थ को एक है वोल्केनोज है ना, इनसे भी लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है. पर कई बार ऊपर से भी फोर्सेज काम करते हैं जैसे वेदरिंग, इरोजनल फोर्सेज, ये भी डोमिनेंट होते हैं. फिर से ध्यान से सुनना, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर से अगर अर्थक्वेक होगा, वॉल्केनिक एरप्शन होगा, तो भी अर्थ में डिफॉर्मिटी आएगी. कोई माउंटेन है उसके ऊपर से वेदरिंग एजेंट काम करें, सनलाइट और सन हीट और वाटर, तो यह विंड, तो यहाँ पर इरोजन होगा, ये माउंटेन टूट के सॉइल बन जाएगा. तो इंटरनल हीट ऑफ अर्थ, इंटरनल एनर्जी ऑफ अर्थ भी काम करती है, साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम करते हैं. क्लियर है. द लैंडफॉर्म्स हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस. जैसे माउंटेन प्लेट्यूज की अगर हम बात करें, प्लेन्स की बात करें, वैली की बात करें, तो ये ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं नेचर का अर्थ के क्रस्ट के ऊपर. ये हमारे अर्थ की ब्यूटी को बढ़ाते हैं. माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, प्लेट्यू हो, वैली हो, ये हमारे अर्थ की ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं. दूसरा, लैंडफॉर्म रिप्रेजेंट द रिलीफ फीचर. लैंडफॉर्म्स में क्या दिखने को मिलते हैं हमें, रिलीफ फीचर. इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमन लाइफ इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट. कहाँ से हवा आएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, क्लाइमेट कैसा होगा, बारिश होगी, ठंडी होगी, गर्मी होगी. तो ह्यूमन लाइफ अल्टीमेटली इनसे जुड़ी हुई होती है. पानी कितना गिरेगा, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर होगा, स्नो होगा. एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, जो हिमालय हैं वो क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह काम करते हैं. ठीक है, शेपिंग द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. हिमालय है क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह काम करते हैं बेटा. हिमालय के पार बहुत ज़्यादा सर्दियाँ को देखने को मिलती है, पर हमारे इंडिया का क्लाइमेट प्लीजेंट है. कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का. जो माउंटेन रेंज होती हैं वर्ल्ड में, उन्हें अबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ ग्लेशियर भी कहा जाता है. अबोर्ड ऑफ स्नो मतलब हिमालय, जैसे कि हिमालय, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर होती हैं, ग्लेशियर का घर होते हैं माउंटेन्स. दे आर द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स, और इसी वजह से माउंटेन से जो रिवर्स निकलती हैं वो पेरिनियल होती हैं. उनमें साल भर पानी होता है क्योंकि माउंटेन के कैप्स पर क्या होता है, स्नो, ग्लेशियर. बहुत सारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो माउंटेन के स्लोप पे मिलते हैं, हिल्स पे मिलते हैं, प्लेट्यूज पे मिलते हैं. इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज रहती हैं, एनिमल की, प्लांट की, और ये बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ को एनरिच करती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच बनाती है. थस बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू रिलीफ. ये जो रिलीफ फीचर होते हैं, सिंस सच रिलीफ फीचर ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओशन, आइलैंड ग्रुप्स, कोस्टल रीजन, ये फिशिंग साइट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रिलीफ फीचर जो ओशन में एग्जिस्ट करेंगे, आइलैंड ग्रुप्स हैं, कोस्टल रीजन है, ये बहुत आइडियल है फिशिंग की. और फिश एक स्टेपल फूड है. बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्रिएट हुए हैं डिस्टर्बेंसेस की वजह से. ठीक है, वो डिस्टर्बेंसेस जो अर्थ के इंटीरियर की वजह से हमें देखने को मिले हैं. बहुत सारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सरफेस पर आ गए हैं अर्थ के ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, भले वो अर्थक्वेक एरप्शन हो या वॉल्केनिक हो, इनकी वजह से हमें बहुत कुछ बुरा देखने को मिला है, तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है. ठीक है स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन.